और बड़ी खबर, दो दिन से महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है और शुक्रवार को रजा एकेडमी ने बंद बुलाया था तो महाराष्ट्र के चार शहरों में जमकर बवाल हुआ और शनिवार को जब वीएचपी और बीजेपी ने बंद बुलाया तो अमरावती और मालेगांव में जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुआ, जिसके बाद अमरावती में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। अफवाह ना फैले इसके लिए अमरावती में इंटरनेट सर्विस को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तनाव के बीच आज अमरावती में शांति है। उधर मालेगांव में भी कल जमकर हिंसा हुई जिसके बाद प्रशासन ने जिले में सुरक्षा सख्त कर दी। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन भी तेज है। अब तक 20 FIR दर्ज की गई है मामले में, जबकि 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि बाकी उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। बीजेपी और VHP ने महाराष्ट्र में हिंसा के लिए रजा एकेडमी और इससे जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। और हिंसा थमने के बाद मालेगांव पुलिस अब CCTV खंगाल रही है ताकि CCTV के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा सके। कुछ वीडियो इंडिया टीवी के पास जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो उपद्रवी हैं वो जब जुलूस निकाल रहे थे उनके हाथों में डंडे थे, झंडे थे, पत्थर थे और ये पत्थरबाजी करने लगे, दुकानों पर पत्थर फेंके, घरों पर पत्थर फेंके। साथ ही घरों पर, दुकानों पर तोड़फोड़ भी इनके द्वारा की गई। वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन शनिवार को अमरावती में दिखा। लगातार दूसरे दिन अमरावती में तनाव की तस्वीरें सामने आई, जगह जगह पर हिंसा के सबूत मौजूद हैं। लिहाजा अब आज महाराष्ट्र में कोई बवाल ना हो इसके लिए अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। हिंसा को रोकने के लिए कई शहरों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है, कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा के बाद अब रजा एकेडमी पर बैन की मांग भी काफी तेज हो गई है। हमारे पुलिस फोर्स हर जगह है और फिलहाल तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है कि कहीं कोई घटना घट रही है, कोई हिंसा हो रही है, इस तरह की कोई घटना अभी नहीं हो रही है। 144 जहां भी दाखिल की जारी की गई है उसका मुख्य कारण है कि लोग रोड पर ना आए और वो कुछ समय के लिए की गई है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चलती रहेगी। और उसका बेसिक उद्देश्य है कि किसी तरह से शांतता कायम रहे और किसी प्रकार की अनुचित घटना न घटे। और बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में हिंसा का कोई संयोग नहीं बल्कि ये सोची समझी स्कीम के तहत किया गया है, रणनीति थी, षड्यंत्र था इसके पीछे। अमरावती के विधायक है रवि राणा का आरोप है कि हिंसा के बावजूद घटनास्थल पर ना पुलिस नजर आ रही है और ना ही सरकार की ओर से कोई एक्शन हुआ है। स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं और मुझे सबसे गंभीर बात है कि महाराष्ट्र के अंदर कायदा सुव्यवस्था है कि नहीं। यहाँ पे बंदूकें निकाली जा रही है, तलवारें निकाली जा रही है। बार बार गृह मंत्री राज्य के दिलीप वर्षे पाटिल उनसे मैंने बात किया, CP से बात किया, DG से बात किया, आखिरी में अभी अमित शाह जी जो है केंद्रीय गृह मंत्री उनसे हमने गुहार मांगी है, हमारे अमरावती में शांतता के लिए फोर्स भेजिए, यहाँ का बचाव करिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है और बड़ी तनाव के अंदर ये वातावरण है और इस वातावरण को शांत करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नेता अमित शाह जी से मेरी बात हुई है, मैंने पूरा उनको यहाँ का ब्यौरा दिया है, यहाँ की पूरी माहिती दी है और उनको कहा है महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस कम गिर रही है, गृह मंत्री कम गिर रहे हैं तो यहाँ पे केंद्र की मदद हमको जरूरत है। महाराष्ट्र में हिंसा के बाद रजा एकेडमी अब चारों तरफ से घिर गई है। एकेडमी को तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि रजा एकेडमी पर अब शिवसेना भी आक्रामक दिख रही है। आप सोशल मीडिया पे लगातार मुंबई बंद तो आज भी ये बोलेंगे और अभी आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मुंबई बंद, औरंगाबाद, बुल्ढाणा बंद, लगातार ऐसे पोस्ट क्या है, बंद करने में क्या कौन सी चीज है इसके अंदर, कौन सी चीज ऐसी है कि जो गैर कानूनी बंद है, बोला बंद बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि तमाम लोग जो है किया गया है कि हुजूर के नाम पर लोग अपनी जाने कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आप करते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पर मुसलमानों को एक जा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अमन चाहते प्यार से रहते उनकी दुकानों पर जाकर हमला करना तो उसका मतलब क्या होता है? रजा एकेडमी पर बैन की मांग करती है तो वो रजा एकेडमी गलत काम करी तो बैन होगा ही, मांग क्या करने की जरूरत है? यहाँ अच्छे प्रशासक बैठे हुए हैं, शासक भी अच्छी तरह से बैठे।
अब आपको त्रिपुरा के गोमती जिले की उस मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और उसे गिराने की कोशिश की गई है और इसी अफवाह पर महाराष्ट्र के कई शहरों में दो दिन तक हिंसा हुई। त्रिपुरा पुलिस लगातार ये कह रही है कि सिर्फ एक अफवाह है, उस पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में रजा एकेडमी के लोगों ने बंद बुला लिया और बंद के नाम पर हिंसा और बवाल किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।